मुरादाबाद के थाना मंझोला इलाके में एक अज्ञात महिला की संदिग्ध हालत में बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर एसएसपी सहित मंझोला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लाकड़ी फाजलपुर इलाके में आज सुबह एक खाली मैदान में अज्ञात महिला की लाश पड़ी होने की सूचना से हड़कंप मच गया। महिला अर्धनग्न हालत में पड़ी हुई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। आसपास के लोगों ने बॉडी पड़ी होने की सूचना मंझोला पुलिस को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना मिलने पर एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और फोरेंसिक टीम को बुलाकर पूरे मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। एसएसपी के अनुसार महिला की बॉडी मिलने की सूचना पर यहां पहुंचे हैं। बॉडी देखने से लग रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। ऐसा लग रहा है कि घटनास्थल पर मृतका और हत्या करने वाले के बीच काफी देर तक संघर्ष हुआ है। अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि जो है मर्डर हुआ है, क्योंकि घटनास्थल देख के और बॉडी देख के स्ट्रैंगुलेशन के चांसेस हैं पूरे, और संघर्ष के निशान भी हैं। क्रुएल्टी हुई है ऐसा बॉडी देख के लगा है। पीएम के लिए भेजा जा रहा है डेड बॉडी। और ये भी है कि ये ऐसा इलाका है जहाँ कोई बाहरी व्यक्ति बॉडी ले आके नहीं डाल सकता है, तो संभावना इस चीज़ की है कि या तो महिला यहाँ पे आई हो, कोई जान पहचान का हो, फिर उसने घटना अंजाम दिया हो, या इस इलाके के जो भी क्राइम करने वाले हैं वो इस इलाके से संबंधित हो। फिलहाल पीएम के लिए बॉडी भेजी गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी घटना पर काबू हो जाए। अभी पहचान नहीं पाई डेड बॉडी। सर क्या मतलब किस धारदार हथियार से हत्या? नहीं, स्ट्रैंगुलेशन है, गला दबा के, गला घोट के, जैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। पीएम के बाद स्थिति स्पष्ट होगी इसकी। थैंक यू सर।